हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस 2018 का एग्जाम अभी 5 अगस्त को दो शिफ्ट्स में कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों के मन में दो ही सवाल चल रहे हैं कि सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कब रिलीज होगी या कट ऑफ क्या रहेगी। तो उसका वीडियो आज हमारे चैनल पे जरूर से डल जाएगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसी का वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट एसबीआई क्लर्क मेंस की क्या रहे। अब पता करने के लिए कि रिजल्ट डेट क्या रहेगी, इसके लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का। अब क्लर्क का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2016 में। उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि एग्जाम के बाद रिजल्ट आने में किसी कारण से थोड़ा सा डिले हो गया था, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि उसका हम रेफरेंस नहीं ले सकते। तो अब किसका लेंगे, 2017 के एसबीआई के एग्जाम। तो 2017 में एसबीआई का पीओ का एग्जाम हुआ था, तो उसका रेफरेंस लेके हम क्लर्क का आराम से डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं 4 अगस्त को इस साल अभी एसबीआई पीओ मेंस का हुआ और 5 अगस्त को एसबीआई क्लर्क मेंस का हुआ, तो रिजल्ट भी इनका एक के बाद एक ही रहेगा। तो देखते हैं क्या रहेगा। एसबीआई पीओ मेंस 2017 का एग्जाम डेट थी आपकी 4 जून 2017। एसबीआई पीओ मेंस 2017 का रिजल्ट आया था 19 जून 2017। मतलब कितने का गैप था, लगभग 15 दिनों का गैप था रिजल्ट आने में। तो वो ही हम रेफरेंस लेके हमारे एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस 2018 का निकालेंगे। 5 अगस्त को एग्जाम था, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट आप बोल सकते हैं कि 15 दिन ऐड करके 20 अगस्त के अराउंड आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और उससे एक दिन पहले या उसी दिन आपका एसबीआई पीओ मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपने उसके लिए क्लियर किया होगा तो। अब कट ऑफ की बात आती है, आपको पता है एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर काफी डिफिकल्ट था 2016 से, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2017 से भी ज्यादा डिफिकल्ट था इस बार का एग्जाम, तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, जितना आप सोच रहे हो उतनी ज्यादा नहीं जाएगी। एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 क्वेश्चंस का था, तो 200 में से अच्छा अटेम्प्ट हमने दिया था, 115 के अराउंड आपका अच्छा अटेम्प्ट था। उसके बाद फिर आपकी कुछ सर्टेन लेवल की एक्यूरेसी हो तो आपकी बात बन जाएगी। अब बात ये भी है कि स्टेट वाइज भी रहती है, तो सारी ये जो बातें हैं, हमारा अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम स्टेट वाइज भी बात करेंगे, सारा पुराना रेफरेंस लेके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे पहुंचे। आज का वीडियो था हमारा रिजल्ट डेट का। रिजल्ट डेट आपकी एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग 20 अगस्त रहेगी। रेफरेंस हमने एसबीआई पीओ मेंस 2017 का लिया है, और क्यों लिया है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई आशंकाएं हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, और उस पर जल्दी से जल्दी जवाब देने का या वीडियो बनाने का हम कोशिश करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए। उससे होगा ये कि जब भी कोई वीडियो हम डालेंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, और कभी भी आप हमारा वीडियो मिस नहीं करें। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।